सो आज हम इस वाले ग्लास शीट के ऊपर पेंटिंग करने वाले हैं, सो लेट्स डू इट। सो आज मैं इसके ऊपर पहली बार पेंटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें वो एक्चुअली में ग्लास था, और ये जो है वो फाइबर का ग्लास है, इसे मैंने अमेजोन से बाय किया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक शीट ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने पिकाचू ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। फिर वो शीट के ऊपर मैं इस ग्लास को रखूंगा और देन मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर यूज करूंगा, सबसे पहले आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। आउटलाइन कम्प्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज कर रहा हूँ कलर करने के लिए, तो मैं सबसे पहले वो कलर यूज करूंगा जो कि सबसे सामने रहेगा। यानी कि आप नॉर्मल ड्रॉइंग पेपर में जैसे ड्रॉइंग करते हैं कि पहले आप येलो करेंगे, फिर उसके बाद ब्लैक, फिर उसके बाद आप डिटेल्स को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ग्लास पेंटिंग में सबसे पहले डिटेल्स को ही ऐड करते हैं जो कि फ्रंट में है सबसे पहले, एंड देन हम उसके बाद बैकग्राउंड को कलर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक कलर यूज करूंगा, माउथ और चीक्स के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज करूंगा, और फ्रंट के सारे डिटेल्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे येलो कलर से बैकग्राउंड को दे दूंगा, एंड में थोड़ा सा और बैकग्राउंड को अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पूरे ग्लास को कवर कर दूंगा व्हाइट कलर से। सो हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।